जय हिंद दोस्तों एंड क्या हाल है दोस्तों। काफी सारे TWS रिव्यू करने के बाद में मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसे TWS का रिव्यू करा जाए जो कि आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों में ही देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों आज मेरे पास है ये अल्ट्रा पॉट्स प्रो, वो भी एक नहीं दो दो। दोस्तों अगर बात करी जाए इनकी तो ये आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों में मिल जाते हैं एंड प्राइस दोस्तों यहाँ पर आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। प्राइस इसका क्या मिलने वाला है वो तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता ही दूंगा। दोस्तों क्या क्या फीचर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं इसी के बारे में आज हम करेंगे बात। वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट, लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का बॉक्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, पूरा ग्रीन सा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन यहाँ पर देखने के लिए दिखा रखा है। साथ ही में यहाँ पर नीचे देखिए काफी सारे फंक्शंस के बारे में यहाँ पर मेंशन कर रखा है जो कि इसके अंदर फीचर्स हैं। वही बॉक्स से बैक में भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको फीचर्स के बारे में ही बताया गया है, बाकी यहाँ पर किसी भी ब्रांड वगैरह का नाम मेंशन नहीं है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ एक मैजिकल ट्विस्ट के साथ में। तो सिंपली देखिए यहाँ पर बॉक्स को ओपन करने पर इसके अंदर ज्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पर रखे हुए हैं हमारे ये ईयरबड्स एंड साथ ही में यहाँ पर रखा हुआ एक चार्जिंग केबल एंड इसी के साथ में यहाँ पर एक यूजर मैनुअल देखने के लिए मिल जाता है। तो बस यही चीजें इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपने यहाँ पर देखा, अब बात करते हैं कुछ ईयरबड्स की। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके का ट्रांसपेरेंट केस देखने के लिए मिलता है, चारों ही तरफ से यहाँ पर ट्रांसपेरेंट केस है। बॉटम में आपको एक टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का डिस्प्ले मिलता है जिसमें यहाँ पर चार्जिंग परसेंटेज शो करता है एंड जब इन बड्स को लगाते हैं तो चार्जिंग यहाँ पर शो करता है। कुछ इस तरीके का RGB लाइट का सेटअप यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो नो डाउट देखने में तो ये यहाँ पर काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों बात करूं इसके प्लास्टिक की, तो दोस्तों प्लास्टिक क्वालिटी यहाँ पर हमें काफी चीप देखने के लिए मिलता है जो कि ठीक है इसके प्राइस के हिसाब से। इसमें जो ये मिल रहा है ये भी काफी अच्छी बात है। हालांकि ईयरबड्स है जो कि वो की काफी हल्के फील होते हैं एंड उनमें भी सेम ही प्लास्टिक का यूज यहाँ पर हुआ है। इनके अंदर भी यहाँ पर देखेंगे तो आप छोटा सा RGB लाइट का सेटअप यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी दोस्तों बात करो अगर फिटिंग वाइज की, तो लाइट वेट होने की वजह से यहाँ पर बिल्कुल भी फील नहीं होते हैं, काफी आसानी से आपके कानों में फिट हो जाते हैं। और देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके की यहाँ पर फिटिंग देखने के लिए मिल जाती है। बाकी दोस्तों इनके अंदर कोई भी IPX सर्टिफिकेशन के बारे में तो मेंशन नहीं किया गया है, तो इनके साथ में कहा जा सकता है कि कब तक ये चलते हैं। थोड़ा बहुत बचा करके आप इन्हें रखिएगा स्वेटिंग वगैरह से, वाटर वगैरह से, तो माइट भी ये आपके अच्छे चल सकते हैं। तो दोस्तों क्वालिटी वाइज तो मुझे ये यहाँ पर अच्छा लगा है देखने में, साथ ही में आपको टच कंट्रोल्स भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आगे आपको दिखा देता हूँ किस तरीके के टच कंट्रोल्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो किसी भी ईयरबड को सिंगल टैप करेंगे तो यहाँ पर म्यूजिक प्ले एंड पॉज होगा। वहीं अगर वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो राइट ईयरबड को 2 बार टैप करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंड वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए लेफ्ट ईयरबड को 2 बार टैप करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट म्यूजिक पर शिफ्ट करना है तो राइट ईयरबड को 2 सेकंड के लिए प्रेस करके होल्ड करके छोड़ना है तो नेक्स्ट म्यूजिक पर पहुंच जाएंगे एंड प्रीवियस म्यूजिक के लिए आपको लेफ्ट ईयरबड को 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है तो आप प्रीवियस म्यूजिक पर पहुंच जाएंगे। वॉइस असिस्टेंट फीचर को एक्टिवेट करने के लिए किसी भी ईयरबड को 3 टाइम्स टैप करेंगे तो वॉइस असिस्टेंट फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा टच कंट्रोल्स यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। मुझे तो लगा भी नहीं था कि इनके अंदर टच कंट्रोल्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, बट टच कंट्रोल्स यहाँ पर अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके साउंड की क्वालिटी की। तो दोस्तों बात करोगे साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी यहाँ पर आपको ठीक देखने के लिए मिल जाती है। 100% वॉल्यूम पर आप इन्हें यूज कर सकते हैं, कोई इतना ज्यादा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे इनसे, बट अपने प्राइस के हिसाब से ही यहाँ पर ठीक ठीक वेरी कर जाते हैं। बाकी किस तरीके की माइक क्वालिटी यहाँ पर मिलती है उसका एक छोटा सा टेस्ट करके देख लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों राइट नाउ अभी जो आप साउंड यहाँ पर सुन रहे हैं वो इनके माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा किस तरीके की माइक क्वालिटी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। बाकी दोस्तों बात करो अगर बैटरी बैकअप की, तो 2.5-3 घंटे के आसपास का बैकअप मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिला है। वहीं बात करो अगर केस की, तो केस के साथ में आपको यहाँ पर 12 से लेकर 15 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। हालांकि 3 बार ही मैंने इन्हें फुल चार्ज करा था, उसके बाद में यहाँ पर बैटरी इनकी लो हो गई थी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप भी ठीक ही देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों बात करो अगर कंक्लूजन की, तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ प्राइस की, तो दोस्तों मुझे ये मिला है 281 रुपीज ऑन मीशो पे। अब दोस्तों वहां पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर थे एंड ये सेम ही प्रोडक्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर भी देखने के लिए मिल जाएगा, 300, 350, 400 रुपए तक का प्राइस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो ये आप देख लीजिएगा अगर आपको इन्हें बाय करना है तो किस प्राइस पर आप इन्हें बाय करते हैं। यही सेम प्राइस दोस्तों आपको ऑफलाइन मार्केट में भी देखने के लिए मिल जाएगा, हालांकि ऑफलाइन में 350-400 रुपए तक के आसपास तक का प्राइस देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों जिस प्राइस रेंज के अंदर में ये मिलता है उस हिसाब से इसमें काफी अच्छे फीचर्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। नो डाउट आपको सभी फीचर फंक्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। माइक की क्वालिटी यहाँ पर थोड़ी सी एवरेज मिलती है एंड साउंड की क्वालिटी मैं नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा अच्छी है, पर दोस्तों प्राइस के हिसाब से एक्सेप्टेड क्वालिटी यहाँ पर मिल जाती है, तो यूज इन्हें किया जा सकता है।
हालांकि ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप 250-300 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऐसे प्रोडक्ट के लिए जिनकी कोई गारंटी वारंटी यहाँ पर नहीं मिलती है। तो चले तो 10 दिन तक चले, नहीं चले तो फिर 2 दिन भी नहीं चले, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, वही वाली बात है। बाकी दोस्तों देखने के हिसाब से काफी अच्छा लगता है। बाकी आप बताइए आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा है, कमेंट में अपना सजेशन जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।